वेल हेलो एंड वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का टेक एमएम पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज फाइनली हम अनबॉक्स करने वाले हैं अपने 144 हर्ट्ज गेमिंग मॉनिटर को जो कि है लेनोवो की तरफ से। तो लेनोवो का दोस्तों यहां पर मैं अनबॉक्स करने वाला हूं आज G2510। दोस्तों ये 144 हर्ट्ज का मॉनिटर है और तकरीबन 1 ms का रिस्पांस टाइम जो हमें गेमिंग के अंदर दे सकता है। साथ ही साथ इसके अंदर हमें देखने को मिलती है 400 निट्स की ब्राइटनेस। और प्राइस की बात करें तो तकरीबन 19,000 रुपये के आसपास की जो कॉस्टिंग है वो आई है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका बॉक्स जो है वो किस तरीके का दिखता है। जो नॉर्मल बॉक्स आता है कोई भी कलर प्रिंटिंग नहीं है और यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें जो है मॉनिटर के बारे में डिस्क्राइब की गई है। खैर उनकी बात तो हम वीडियो में करने ही वाले हैं। अब चलिए जल्दी से खूनी खंजर की मदद लेते हैं और इसको करते हैं अनबॉक्स। और फाइनली हमारा जो बॉक्स है यहां पर जो है वो खुल चुका है। तो यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले क्या मिलता है। जो पेपर वर्क मिल जाता है कि हमें कैसे सेटअप करना है इसे बाद में देखेंगे। एक HDMI केबल हमें साथ में मिलती है अच्छी क्वालिटी की, ये काफी अच्छी बात है। उसके अलावा यहां पर एक पेपर वर्क मिल जाता है छोटा सा, उसके अलावा पावर केबल मिल जाती है जो कि बहुत जरूरी है। चलिए अब जल्दी से अपने मॉनिटर को डब्बे से बाहर निकालते हैं। माय गॉड ये रहा, साथ में लेनोवो की लिमिटेड वारंटी भी आपको मिलती है। और ये रहा हमारा जो स्टैंड है उसका बेस। तो चलिए यहां पर हम मॉनिटर को यहां पर निकाल लिया है। माय गॉड बेजल तो है ही नहीं, कहां रह गए मेरे बेजल, बेजल नहीं है दोस्तों। तो यहां पे स्टैंड की बात करें तो यहां पे केबल मैनेजमेंट के लिए भी प्लेस दिया गया है और यहां पे देखते हैं काफी मजबूत लग रहा है। और ये रहा हमारा फाइनली मॉनिटर। तो यहां पे बटन्स मिल जाते हैं हमें राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड में लेनोवो की ब्रांडिंग है। साइड से कुछ ऐसा दिखता है, पीछे से यहां पर कुछ ऐसा दिखता है। और यहां पे सबसे पहले हमें इसे सेटअप करना है। तो चलिए जल्दी से यहां पर बेस के साथ अपने जो स्टैंड है उसको जोड़ लेते हैं। बड़े आसानी से इसको कस देना है और उसके अलावा कोई भी हमें पेच नहीं लगाना है यहां पर। नॉर्मली हम दोस्तों जब भी आप मॉनिटर लें तो इसको जब आप उल्टा करके रख रहे हैं तो साथ में नीचे अपना पेपर वगैरह रख लें इस तरीके से ताकि वहां पे स्क्रैच ना पड़े। अब जल्दी से यहां पे हमको इस तरीके से यहां पे इसे फिट कर देना है। और अब फाइनली ये अटैच हो चुका है और हमारा मॉनिटर जो है वो यहां पर बनकर तैयार है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। दोस्तों एक फुल HD मॉनिटर यानी कि 1080p मॉनिटर है, 4K नहीं है। तो 4K मत समझ लेना, 4K 144 हर्ट्ज मॉनिटर नहीं है ये, पर ऑल ओवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और दोस्तों इसकी हाइट को आप काफ़ी अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको एडजस्ट करना है। इस तरीके से आप टिल्ट वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पर ऊपर और नीचे हाइट को करने का जो ऑप्शन है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है। इजीली आप अपने अकॉर्डिंग जो हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। और बात करें कनेक्टिविटी की तो यहाँ पर हमें सिर्फ दो ही पोर्ट देखने को मिलते हैं। एक HDMI पोर्ट मिल जाता है और एक यहाँ पे हमें डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है। पावर के लिए पोर्ट मिलता है, 3.5 ms का जो पोर्ट है वो मिल जाता है। केबल मैनेजमेंट के लिए प्लेस जो है काफी अच्छा यहाँ पे पीछे दिया गया है। चलिए जल्दी से इसको पावर देते हैं और ऑन कर लेते हैं। तो लेनोवो की ब्रांडिंग आ गई है और ये हमारा जो मॉनिटर है यहाँ पर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं काफी बढ़िया। आप दोस्तों जब भी आप 144 हर्ट्ज का मॉनिटर लेते हैं तो सबसे पहले आपको सेटअप करना होता है। तो डिस्प्ले सेटिंग में जाना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर हमें जाना होता है। रिकमेंडेड में 1920 1080p मैंने कर रखा है यहाँ पर। तो कई बार इसकी सेटिंग को भी आप ठीक कर लेना जब नया मॉनिटर ले रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 59 हर्ट्ज दिखा रहा है। तो हमें यहाँ पे मॉनिटर में जाना है और इसको कर लेना है 144 हर्ट्ज ताकि हमारी जितनी भी गेम है वो 144 हर्ट्ज पर चले और हमारा मॉनिटर जो पूरी तरीके से जो है अपनी जो ये चीज़ है उसको अचीव कर पाए। अब यहाँ पर ये रेडी हो चुका है, 144 हर्ट्ज जो है हमें मिल चुके हैं। और दोस्तों जब आप शिफ्ट करते हैं ना एकदम से तो क्या जबरदस्त एक्सपीरियंस, कितना फास्ट लगता है मैं आपको बता नहीं सकता। पैनल की क्वालिटी की अगर बात करूँ दोस्तों तो 400 निट्स की ब्राइटनेस इसमें देखने को मिलती है और मॉनिटर सचमुच में काफी ब्राइट है। TN पैनल होने के बावजूद दोस्तों मैं आपको बताऊं इसकी क्वालिटी ना बिल्कुल IPS जैसी है। जैसे कि मैं आपको यहां पे टिल्ट करके दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं कि कलर शिफ्ट नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, जैसे येलोनेस वगैरह आती है जो TN पैनल होते हैं तो वो यहां पर नहीं है। बेजल काफी ज्यादा पतले हैं, बहुत पतले बेजल हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। कलर काफी ज्यादा बढ़िया है, बटन सारे आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। तो अपने ब्राइटनेस हो गई, सेचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, इसके अलावा डार्क बूस्ट मिल जाता है हमें, वो आप सारी सेटिंग कर सकते हैं। यहां पर लो ब्लू लाइट का ऑप्शन भी हमें देखने को मिल जाता है, हर्ट्स वगैरह हो गए। तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें यहां पे देखने को मिलती है। और दोस्तों इस मॉनिटर में फ्री सिंक भी मिल जाता है तो आजकल खैर ये बहुत अच्छी नीड बन गई है गेमिंग के लिए। और यहां पर दोस्तों ब्लू लाइट को कम करने का ऑप्शन भी यहां पे मिल जाता है, लो ब्लू लाइट कर सकते हैं तो इससे आंखों को काफी ज्यादा रिलैक्स फील होता है। तो ये जो है फीचर इसमें हमें देखने को मिल जाता है। तो ऑल ओवर जो बेसिक चीजें हैं वो सारी हमें यहां पर देखने को मिल जाती है। ब्राइट है काफी ज्यादा, अभी 80% है, उसके बावजूद काफी ब्राइट है। यहां पर आप देख सकते हैं आप डार्क बूस्ट में इसको थोड़ा और डार्क कर सकते हैं स्क्रीन को। गेम मोड आपको मिल जाता है जिसमें आपको अगर हाई FPS पे करनी है गेमिंग या रेसिंग वाली गेम खेलनी है RTS, ये सारे कुछ एक्स्ट्रा मोड्स मिल जाते हैं जिसमें कि जो कलर का मोड्स है वो चेंज हो जाते हैं, कलर में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इस तरह की बेसिक चीजें सारी मिल जाती हैं। कलर काफी ज्यादा विविड आते हैं और यहां पे TN पैनल होने के बावजूद इतने अच्छे कलर्स हैं तो ये देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। ऑल ओवर दोस्तों मैंने इस पर गेमिंग भी करके देखी और मैं आपको बता दूं कि पहली चीज की जब 144 हर्ट्ज पे आप गेमिंग करते हैं ना तो उसका अलग ही मजा होता है अगर आपका ग्राफिक कार्ड कैपेबल है वो उस फ्रेम रेट को अचीव करने में। अब थोड़ा सा मेरे को यहां पे डाउनग्रेड ये लगा कि मैं 4K से 1080p पे आ
दिखा रहा हूँ तो थोड़ा सा पिक्सेलेटेड रहता है 1080p पैनल, तो वो थोड़ा सा आपको सहना पड़ेगा क्योंकि अभी जो 4K वाले पैनल हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं 144 हर्ट्ज़ वाले। चलिए सबसे पहले GTA 5 खेल के देखते हैं। अरे भैया देखो तो सही 144 FPS आ रहे हैं, माई गॉड। दोस्तों आपको बता दूँ मैं जो ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहा हूँ वो 2080 कर रहा हूँ यहाँ पर, और आप देख सकते हैं जो FPS है कितने ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ चल रहे हैं। मेरी तो सेटिंग भी बहुत ज़्यादा हाई है तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत अच्छे जो फ्रेम रेट हैं यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं, तो काफ़ी स्मूथ चल रही है गेम। अरे वेस्टेड हो गया मैं तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही सही जो हमारी गेमिंग यहाँ पर हो रही है और सीरियसली काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा जो ग्राफिक कार्ड है वो अचीव कर पा रहा है इसके FPS को। और लेना वो वैसे भी काफ़ी अच्छा माना जाता है मॉनिटर के मामले में, पर मेरे को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये लगा कि यहाँ पे पोर्ट्स ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा ऑल ओवर काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ मैं इस मॉनिटर के अंदर। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि फ्री सिंक की जो टेक्नोलॉजी हमें मिलती है ना वो बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पर काम आने वाली है, ऑल ओवर काफ़ी सही है यार। दोस्तों अगर हम बात करते हैं लेनोवो के G2510 की तो ये काफ़ी अच्छा गेमिंग मॉनिटर है अगर आपको 144 हर्ट्ज के ऊपर गेमिंग करनी है। बात करें इसके एक पहले वाले वेरिएंट की जो कि खैर अभी भी आ रहा है वाई सीरीज वाला, तो उसमें क्या होता था कि वो 120 हर्ट्ज के ऊपर जाते ही जो है फ्रेम को स्किप करने लग जाता था, पर इस मॉनिटर के अंदर मुझे ऐसी भी कोई दिक्कत देखने को नहीं लगी। हालांकि इसको लॉन्च हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3-4 महीने ही हुए हैं, इससे पहली वाले जो वाई सीरीज था उसको खैर काफ़ी समय हो गया था आए हुए, तो शायद मैं कहूँगा कि इसी को अब उसी को अपग्रेड करते हुए इन्होंने जो कमियाँ हैं वो दूर किया। ये काफ़ी अच्छा मॉनिटर जो है खैर मुझे लगा। अब सबसे पहले हम प्राइस से शुरुआत करते हैं, इसका जो प्राइस है वो तकरीबन मुझे पड़ा है 19,000 रुपीज़। खैर पर मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन इस समय काफ़ी चीज़ों के प्राइस महंगे हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, पर मे बी ऑफलाइन ये आपको 1,500 रुपये या 2,000 रुपये भी सस्ता देखने को मिल सकता है, तो आप एक बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह ट्राई कर लेना अगर आप इस मॉनिटर को लेने जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपके मन में ये सवाल उठेगा कि 15,000-16,000 रुपये के अंदर भी काफ़ी सारे मॉनिटर हैं, गेमिंग मॉनिटर हैं, जो मैं 144 हर्ट्ज़ और 1 ms का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो दे देते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर मोस्टली वो जो मॉनिटर्स आपको देखने को मिलते हैं वो तकरीबन 24 इंचेस के होते हैं, कुछ 27 के भी होते हैं, पर वहाँ पे क्वालिटी जो उनका पैनल है पैनल के साथ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किए जाते हैं। अब इस मॉनिटर के साथ है कि TN पैनल तो इसका भी है, पर 400 nits की जो ब्राइटनेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी मुझे पहले लगा था कि शायद ऑन पेपर लिखा हुआ है, रियलिटी में ऐसा नहीं होगा, पर इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है, जो ब्राइटनेस इसकी निकल कर आती है वो बहुत अच्छे तरीके से निकल कर आती है, यानी कि पैनल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। TN पैनल होने के बावजूद जब इसको टिल्ट किया जाता है, जब आप इसे साइड एंगल से देखते हैं तो कलर शिफ्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल भी कोई येलोनेस नहीं आ रही है, तो इसका मतलब जो मतलब मुझे एक पल को तो लगा कि शायद ये TN पैनल है ही नहीं, पर वास्तव में ये TN पैनल ही है, पर इसकी क्वालिटी काफ़ी टॉप नॉच है, तो मे बी शायद इसलिए जो 2-3 हज़ार रुपये का डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर बेजल की बात करूँ तो बेजल काफ़ी ज़्यादा पतले हैं, काफ़ी ज़्यादा पतले बेजल हैं इसके, और ये अगर मैं बताऊँ कि काफ़ी लोगों के मन में होता है कि मैं 28 इंचेस का मॉनिटर लूँ, 27 का लूँ, 24 या 23 का लूँ, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है कि 25 इंचेस के अंदर ये आ जाता है, तो काफ़ी डिसेंट साइज़ है गेमिंग के लिहाज से, और 144 हर्ट्ज़ के ऊपर गेमिंग बहुत अच्छी होती है, पैनल और कलर काफ़ी एक्यूरेट आते हैं, मुझे किसी भी तरह का खैर कोई इस तरह का लैग या फिर कोई कलर में कोई इस तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिली। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि पोर्ट्स की, तो पोर्ट्स में मुझे लगा क्योंकि यहाँ पे पोर्ट सिर्फ दो ही देखने को मिलते हैं, एक हमें डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिलता है, एक HDMI पोर्ट देखने को मिलता है, और एक 3.5 mm का जैक मिल जाता है, इसके अलावा इसमें कोई पोर्ट नहीं है अगर हम पावर केबल के पोर्ट को छोड़ दें तो दोस्तों यहाँ पे मैं मानता हूँ कि इस प्राइस रेंज के अंदर इनको कम से कम एक या दो पोर्ट एक्स्ट्रा देने चाहिए थे हमें HDMI के, उसके अलावा हमें USB के लिए ये स्पेस दे सकते थे तो वो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता, तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें जो हैं मुझे यहाँ पे इस मॉनिटर के अंदर मिसिंग लगी, जो मे बी हो सकती थी क्योंकि काफ़ी मॉनिटर हम देखेंगे तो 15-16 हज़ार रुपये में हमें काफ़ी सारी चीज़ें दे सकते हैं, या अभी मुझे मॉडल नंबर याद नहीं आ रहा, तो Acer का भी आई थिंक मॉनिटर है जो कि IPS डिस्प्ले के साथ आता है, पर मैंने उसे पर्सनली यूज़ नहीं किया है तो मैं उसके बारे में कुछ ऐसा कह नहीं सकता, बट इस मॉनिटर को मैंने अभी पर्सनली यूज़ किया तो मैं आपको बता सकता हूँ कि बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो मुझे तो खैर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। प्राइस को लेके बस थोड़ा सा मेरा कंसर्न है यहाँ पर, इसके अलावा कोई भी मुझे दिक्कत इस मॉनिटर के अंदर देखने को लगी नहीं। डिज़ाइन जो है ना इसका, डिज़ाइन लैंग्वेज भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो खैर दोस्तों इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो अगर आपको वहाँ ऑनलाइन जाके खरीदना है इसको तो आप जाके खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आप इसी वाले वर्जन को लेना, इसमें वाई वाला वर्जन आता है उसको आप थोड़ा अवॉइड करना, ये वर्जन ज़्यादा अच्छा है उससे। और यहाँ पे मैं बात करूँगा, मिस कर रहा हूँ 4K अपने मॉनिटर को, खैर वो भी यहीं रखा हुआ है, पर 4K मॉनिटर पे जब आप 4K से 1080p भी आते हैं ना, मतलब चाहे वो कितने भी हर्ट्स का हो, पर कहीं ना आपको एकदम से एक डाउनग्रेड लगता है। पर खैर जब मैंने इसको यूज़ किया ना थोड़ी देर, उसके बाद जब मैंने इसकी फास्टनेस देखी जिस हिसाब से चल रहा था और जो मैंने गेमिंग करके देखी, उस हिसाब से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे बढ़िया
लगा, खासतौर पर उन लोगों के जिन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जिनको फास्ट FPS के ऊपर गेमिंग करनी होती है। अगर आपका ग्राफिक कार्ड कैपेबल है 100 से ऊपर फ्रेम रेट को देने के लिए तो आप इस मॉनिटर को कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पे कॉन्स तो मुझे कुछ ऐसे लगे नहीं, प्राइस को लेके थोड़ा सा कंसर्न था और पोर्ट्स थोड़े से एक्स्ट्रा मिल जाते तो ज़्यादा इच्छा हो जाता। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया आपको बताना कि इसके अंदर इनबिल्ट स्पीकर नहीं आते हैं, तो अगर कोई भी छोटा मोटा स्पीकर भी इसमें नहीं दिया गया, अगर वो भी दिया गया होता तो काफ़ी अच्छी बात होती थी, यानी कि आपको एक्सटर्नल स्पीकर जो है लेने ही पड़ेंगे इसके साथ, या फिर आपके PC में ऑलरेडी होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर बस ये कुछ बातें लगी, ऑल ओवर बाकी मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अभी तक तो। इसके बाद बाकी कुछ अपडेट रहेगा आगे नेक्स्ट की ये इसने कैसा परफॉर्म किया या कैसा रहा है ये, तो बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे मैं आपके सामने क्लियर करूँगा अगली वीडियो में। तो आपके कोई भी अगर क्वेश्चंस हैं ना इसको लेकर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके लिए अपने सवाल जो हैं वो मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप प्ले स्टेशन के लिए भी इसे लेना चाहते हैं तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। पर यहाँ पर अगर मेरा सजेशन माने कि अगर आप प्ले स्टेशन के लिए देख रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप एक 4K मोनिटर के साथ जाएँ, क्योंकि वो एक आप ना ज़्यादा विविड ज़्यादा रिच कलर दे पाएगा इतना, क्योंकि आपको पता कि प्ले स्टेशन जो है प्ले स्टेशन 4 या 4 प्रो की बात करो तो आपको हाई FPS पे वो नहीं दे पाएगा, तो आपको हाई FPS का मॉनिटर लेने का कोई फायदा उसमें है नहीं है। पर हाँ, अगर आप 4K 60 हर्ट्ज वाला मॉनिटर भी ले लेते हैं तो आपको जो विजुअल्स है ना वो काफी अच्छे दे पाएगा। तो खैर दोस्तों, अपने ओपिनियन जो है इस मॉनिटर के बारे में मुझसे जरूर शेयर करना। तो खैर, आज की हमारी जो वीडियो थी वो खैर यहीं तक थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इस तरह की और वीडियो के लिए शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। तो फिर खैर, जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।